इरफान सर, वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। सबसे मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ कि मदारी फिल्म में क्या कैरेक्टर है और क्या कहानी है? कैरेक्टर जो है एक नॉर्मल आदमी का है, जो ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा है, जो जैसा सिस्टम चाहता है वो वैसा कर रहा है, अपनी रोज़ी रोटी में बिजी है, रोज़ी रोटी कमाने में, अपने जो भी मुश्किलात हैं उसको वो उसको उसकी शिकायत नहीं करता है, वो फेस करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है, ऐसा कैरेक्टर है। बट उसके साथ जो हादसे होते हैं उसके बाद जो अपने अंदर एक और इंसान डिस्कवर करता है, जो वो बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे वो, उसको पता भी नहीं था कि उसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे डिसीजंस ले सकता है। सर, जिस तरह की फिल्में आप करते हैं, एक फिल्म दूसरी फिल्म से बिल्कुल ही अलग होती है, तो कहानियों का चयन कितने समय में कर पाते हैं या फिर आपको समय लगता है? कहानी चयन करने में समय लगता है, कहानी मिलने में भी समय लगता है, क्योंकि मेरी फिल्में जो हैं वो एक पर्टिकुलर इमेज को लेकर नहीं है कि कोई एक इमेज है मेरी और उसके आसपास मैं कहानी ढूंढ रहा हूँ। हर बार मुझे जो है ऐसी कहानी चाहिए होती जो मैंने नहीं की हो, जो मुझे करने के लिए एक्साइटमेंट लगे, जिसमें कोई ऐसा एरिया हो जो मैंने पहले नहीं एक्सप्लोर किया है, तो वो एरिया मुझे एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी नज़र आए, तो थोड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल सर, अगर आपकी शख्सियत की बात करें और सबसे पहले आपकी आंखें जो भी बोलती हैं, किसी भी सीन में आप चुपचाप खड़े हो जाएं तो आपकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, तो इनका जादू बरकरार करने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं या कुछ अध्यात्म में कुछ ऐसा चलता रहता है फिर ये जो? इसके लिए तो मैं आंखों के लिए ऐसा कुछ नहीं है अलग से मेडिटेशन, बट मेडिटेशन तो आपका होता ही है। आप ज़िंदगी में जो है एक मेडिटेशन ऐसा भी होता है जो चलते फिरते मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 24 घंटे अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ही एक तरह का मेडिटेशन होता है। तो अगर वो एज एन एक्टर आपको करना ही पड़ता है। एज एन एक्टर जब हम ड्रामा स्कूल में गए थे तो ऐसा कहते थे कि आपका सेकंड नेचर हो जाना चाहिए, कैसे आपने आसपास की सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपका सेकंड नेचर होना चाहिए। तब हमें समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी जो है हमेशा अपने आप को नो अवेयर है और देख रहा है, तो उससे आदमी मैकेनिकल हो जाता होगा, यू नो, ये सब सवाल थे पहले। लेकिन आई थिंक मेडिटेशन और एक्टिंग में ये सिमिलैरिटी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। मेडिटेशन में ये होता है कि आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे थॉट्स मूव कर रहे हैं और आप उसको आप डीपर एंड डीपर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि कहाँ से कोई थॉट कैसे एक थॉट से आप दूसरे थॉट में चले गए। ऑब्जर्वेशन ही एक तरह का मेडिटेशन होता है, तो ये तो यू नो पार्ट ऑफ लाइफ होना ही चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये ऑब्जर्वेशन है, ऑन सेट ऑफ सेट दिमागी स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं या फिर कोई अपने किरदार को पकड़ा हुआ होता है या फिर उसमें बदलाव चाहते हैं, बदलाव करते हैं, उसको बदलना चाहते हैं या फिर उसको एक अपने माइंड सेट बनाया होता है? कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको जिनकी ज़रूरत होती है कि आप उस मेंटल मेकअप से बाहर नहीं आए। कुछ किरदार होते हैं जिनमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप उसी मेंटल मेकअप में रहें हमेशा। आप जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। बस कुछ किरदार होते हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप उसी मेंटल स्टेट को बनाए रखें अपने अंदर, तो वो ऐसे कुछ इंटेंस रोल होते हैं जिसमें आपको बनाए रखना पड़ता है वो स्पेस। मदारी के साथ क्या होता? मदारी में कुछ इमोशनल सीन्स थे जो कि जिनमें ज़रूरत थी कि आप उस मेंटल स्टेट को छोड़े नहीं, वो बनी रहे, और कुछ सीन्स थे जहाँ के आपको लग रहा था कि ये रिपीट आप नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि एक आध सीन में मैंने निशी को बोला कि यार पहले जो लोकेशन है पूरा लाइट अप करवा दो और हम ब्लॉकिंग नहीं करेंगे, कि मुझे पता नहीं होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँगा और आप सिर्फ कैमरामैन को बोलो कि मुझे फॉलो कर सके। तो कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स थे जहाँ हम मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, ना कैमरामैन को पता था ना डायरेक्टर को पता था, बट क्योंकि सीन टीम में इतना ट्यूनिंग होता है कि यू नो कैमरामैन पे आपको भरोसा होता है, आपको पता है कि आप जहाँ जाएंगे वो फॉलो कर लेगा, और किसी तरह की टेक्निकल
मिस्टेक्स की वजह से आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ सीन होते हैं जिनको में आपको घुसने में डर लगता है और आप उनको दोबारा नहीं करना चाहते। सर क्योंकि आपकी एक्टिंग में बोलबाला है, कांता है, लोग सीखते हैं, हर फिल्म एक लेसन की तरह लोग देखते हैं जी, कोई एक सीन, कोई एक बड़ा फिल्म का एक मंजर कुछ ऐसा आया आपकी नज़रों में मधारी को लेके या किसी और फिल्म को लेके, जब आप समझ पा रहे हो कि मैं इस करेक्टर की स्किन तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ और अब मैं चीट कैसे करूँ? कई बार ऐसा होता है, फिल्म शुरू होते वक्त ऐसा होता है कि आपके दिमाग में तो होता है कैरेक्टर, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो वो करते वक्त आपको लगता है कि आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, आपकी जो है आप अभी भी दूर हैं उससे, तो वो और उसको उसमें टाइम लगता है, उस कैरेक्टर को आप तक आने में टाइम लगता है, तो आप वेट करते हैं, आप और सीन्स करते हैं थोड़े, फिर धीरे 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 जो है वो कैरेक्टर आप तक आता है। कई बार लोगों को पता नहीं चलती वो बात, लोगों को लगता है कि सब ठीक है, डायरेक्टर को भी नहीं पता चलता, लेकिन आपको पता होता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ आप में और कैरेक्टर में वो डिस्टेंस नहीं है। सर कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें मदारी को लेके, कुछ बताना चाहें उसके बारे में कि कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा मंजर आया हो, ऐसा कोई वाक्य हुआ हो? मदारी में शुरू शुरू में जब एक सीन था जहाँ मैं किसी का इंटरनेट ठीक करने के लिए गया हूँ और मेरी उससे बातचीत होती है, मैंने जब वो मॉनिटर पे देखा तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी लगी कि मुझे कुछ और ज़रूरत है इसके अंदर, तो फिर हमने वो कॉस्ट्यूम चेंज किया जिसमें किया था, और फिर वो कॉस्ट्यूम चेंज करके जब किया तो फिर हमें लगा कि हाँ अब जो है ये लग रहा है कि ये उस जगह का उस सोसाइटी के उस हिस्से का आदमी। तो ऐसा कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आपके अंदाज जो है कई बार वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन कुछ चीज़ों की मदद से आप यू नो कर पाते हैं। सर मदारी की कहानी सुनने के बाद सबसे मुश्किल चीज़ जो आपके आड़े रही हो कि यार इसको कैसे निकाला जाए, या फिर निकाला भी जाए तो मैं निकाल तो लूँगा ही, लेकिन अपना परफेक्शन कैसे दिखाया जाए? कुछ ऐसे एक्टिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मदारी की स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा चैलेंजिंग था, वो क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं है, उस तरह की फिल्म कोई आई नहीं है, तो डायरेक्टर को भी पता नहीं था कि इसको मतलब ये ऐसे जब करेंगे तो इस तरह ये वर्क करेगा नहीं करेगा, यू नो, तो स्टोरी का स्ट्रक्चर चैलेंजिंग था, वो दोनों के लिए चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी और निशी के लिए भी। सर ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी सारी फिल्मों को करने के बाद जो आपने अभिनय की एक विद्या सीखी भी है और आप खुद को ऑब्जर्व भी करते हैं जैसा कि आपने बताया, ये चीज़ें कितनी काम आई इस मदारी को लेकर, या फिर बिल्कुल ही आप फ्रेश थे, आपने एकदम क्लियर माइंड था एक नई जिंदगी जीने जा रहा हूँ, ये माइंड सेट रख? नहीं, ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि आप रोज़मर्रा देखते हैं, इस कैरेक्टर की कोई नई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता है कि यू नो आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, आप उन्हें आम आदमी की ज़िंदगी आप गुजारती हैं, तो इसमें ऐसा कोई अलग से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ कुछ इमोशनल सीन्स थे जिनको कि आपको जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग थे, जिनके लिए, और एक बच्चे से जो रिश्ता है वो थोड़ा वो ऐसा स्फीयर है जो आपने नहीं जिया है, जिस तरह से आप इस फिल्म के अंदर बच्चे का और आपका रिश्ता है वो आपने कभी उस तरह का रिश्ता जिया नहीं है, तो वो एक नया एलिमेंट था। सर ऑन सेट जो आपके सह कलाकार हैं, एक्शन रिएक्शन एक्टिंग का खेल होता है, तो आप जब अपना किरदार निभा रहे थे मदारी में या फिर किसी और भी फिल्म में, तो उनको कैसे देखते हैं सामने वालों को, उनकी स्किन में भी आप रहते हैं कि इसको भी मैं ऑब्जर्व करूँ क्योंकि इससे मेरा रिएक्शन निकलेगा? नहीं, उसको आप सिचुएशन में होते हैं तो आप उसको एज उस एक्टर को नहीं देख रहे होते हैं, आप कोशिश यही करते हैं कि आप वही कैरेक्टर जो है आप उसको एज ए कैरेक्टर ही उसको रिएक्ट करें, आप ये नहीं देख रहे होते हैं कि ये एक्टर जो है कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और ये एक्टर ये रोल प्ले कर रहा है, आप कोशिश ये करते हैं कि उस सिचुएशन में रहते हुए आप उसको उसी तरह से रिएक्ट करें जैसे आपका कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है। तो सर कुछ इम्प्रोवाइजेशंस, कुछ हिदायतें देते हैं अपने सह कलाकारों को, और या फिर आप उनको उनके हल पे छोड़ देते हैं? नहीं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप कभी नहीं देते, आप यू नो बल्कि आप लोगों से पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, तो कोलैबोरेटिव चीज़ है उसमें, ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई हेडमास्टर हूँ और जाके लोगों को सबक सिखाऊंगा, यू नो सब कोवर्कर हैं जिसके जो मिलजुल के काम करते हैं, कभी कोई आपको सलाह देता है, कभी आप किसी को सलाह दे सकते हैं।
सर लगभग मदारी का सफर पूरा होने ही आया है, अब प्रमोशन चल रहा है, तो सर कुछ चीज़ें जो मदारी के लिए बदलना चाहें या फिर कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहें, या फिर कितने सेटिस्फाइड अब रहे हैं आप अपनी इन चीज़ों को लेके? आई थिंक एक बार जब आप फिल्म बना देते हैं तो एक तो आपकी समझ होती है, फिर फिल्म का असली टेस्ट होता है जब ऑडियंस उसको देखती है, वो बताती है कि यू नो क्या सही है क्या गलत है। आपने तो अपनी तरफ से बना दिया, आपने सब कुछ जितना पॉसिबल हो सकता था आपने अपनी तरफ से कर दिया, अब ये तो ऑडियंस जब आएगी तब फिल्म का एक नया रूप सामने आएगा कि वो उसका यू नो वो उसके फिल्टर से जब निकली है तब वो बदल चुकी होती है फिल्म। जो अभी जिस तरह से आप फिल्म देख रहे हैं वो नहीं रहेगी जब ऑडियंस देख इसको, फिर इसका सही यू नो स्वरूप सामने आएगा। सर जान आपसे ये भी चाहेंगे कि पसंद क्या करते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान, आपका कोई जैसे आपने कोई शॉट दिया तो आपको वो बेहद अच्छा लगा लेकिन डायरेक्टर उसमें कई बार तंज कसता है कि इसको दोबारा ले लेते हैं, शॉट आउट ले लेते हैं, उस दौरान क्या करते हैं? डायरेक्टर की ज़्यादा मानते हैं या आप समझते हैं कि डायरेक्टर ही मेन कैप्टन है, और अगर डायरेक्टर आपसे अगर मांग रहा है कोई सवाल, कोई टेक रीटेक करवाना चाह रहा है या कुछ और करवाना चाह रहा है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखते हैं लेकिन फाइनली तो आपको डायरेक्टर की सुननी पड़ती है। सर फिल्म इतने इतने सारे लोगों का योगदान रहता है, मदारी इतने सारे लोगों का योगदान है, टेक्नीशियंस आप और सारी चीज़ें, सबसे मुश्किल चीज़ जो आपको लगती है बीइंग एन एक्टर उसके उस दायरे से बाहर निकल के कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, या फिर कहानी की शुरुआत करना या फिर एक माइंड सेट बनाना कि कहानी को प्रॉपर शेप देना, कि ये चीज़ मेरी समझ में आज तक नहीं आई है और मैं इस पहले को छूना भी नहीं चाहता ऐसा कुछ? आई थिंक कुछ राइटिंग जो है मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होती है, जो मैं नहीं सीख पाया और जो मेरे बस का नहीं है, वो एक चीज़ है जो फिल्म को फिल्म बनाती है, और आई थिंक वो बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म मेकिंग का राइटर्स, और मेरा तो ये मानना है कि उनको जो है उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए मूवी मेकिंग बिजनेस में, और अच्छे राइटर्स आने चाहिए। राइटर बैकबोन है फिल्म की, एक तरफ डायरेक्टर है एक तरफ राइटर है फिर एक्टर्स आते हैं। तो सर राइटर्स की संगत में आप रहे या फिर उनसे आप बात करते हैं कि तुम्हारा क्या माइंडसेट था या फिर किस? कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको राइटर की नज़र से देखना पड़ता है, राइटर की नज़र से समझना पड़ता है। और जैसे पीकू थी, जब पीकू मैंने की तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी मुझे ज़रूरत लगी कि मैं जूही से उसको सुनूं, जूही ने कैसे उसको कंसीव किया है। तो कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि आप राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, या इन्फर्नो है, इन्फर्नो में उस कहानी को समझने के लिए वो एक तो बुक है, तो जब आपके स्क्रीन प्ले है तो स्क्रीन प्ले अलग है, तो आप फिर राइटर से उसका इनपुट लेना चाहते हैं। सर जाना ये भी चाहेंगे क्योंकि टाइटल मदारी है, और सर अगर एक एक, एक शक्ति ताकत आपको मिले तो क्या क्या चीज़ें बदलना चाहेंगे अपने आसपास जो हो रही हैं, या फिर फिल्मों के लिए या फिर अपने व्यक्तित्व के लिए कुछ भी? हमारे सिस्टम में अगर मैं चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है अकाउंटेबिलिटी, कोई आदमी कोई डिसीजन लेता है या कोई आदमी तो वो उसका जवाबदारी किसकी होती है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज मान लीजिए मैं किसी सीट पे बैठा हूँ और मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ, और कल को मैं अपने सीट से कोई दूसरी सीट पे चला जाता हूँ, दूसरी जगह मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मैं कुछ और करने लगता हूँ, तो आज जो कल जो मैंने यहाँ डिसीजन लिया था उसके क्या रिपरकशंस हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर होती है कि नहीं होती है, ये अकाउंटेबिलिटी हमारी जवाबदारी हमारे सिस्टम में नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, आप जो टैक्स देते हैं फलाना आदमी टैक्स देता है उसका पैसा कहाँ जाता है, क्या आपको राइट है कि जान सकें कि आपने जो टैक्स दिया था वो कहाँ गया? मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जब ये चीज़ें होती हैं तो नागरिक को अपने सिस्टम पर भरोसा होता है, तो नागरिक का भरोसा जीतना जो है बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने कंट्री को अपने कंट्री के सिस्टम को रिस्पेक्ट करे। सर मदारी ने क्या झंझोड़ा, क्या बदला आपके अंदर एज एन ह्यूमन बीइंग, कितने बदले आप? अभी तो सफ़र जारी है, फिर बन जाएगी, आएगी, लोग देखेंगे, और उस फिल्म का एक्सपीरियंस तभी पूरा था जब एक बार लोग देख लेते हैं और फिर लोग उससे क्या लेते हैं और फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं कि उन पर क्या असर हुआ, तभी जाके उसका एक्सपीरियंस पूरा होता है। तो अभी तो टाइम है, जब होगा पूरा तो आपसे समझ में आएगा कि क्या
क्या रहा ये? खुद को अगर आप खुद आकलन करें, अगर अपनी दृष्टि से देखें खुद को, तो उसको कैसे बताएंगे? किस चीज के बारे में? इसी के बारे में, एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, क्या क्या बदला, कैसे चेंजेस रहे? ये चेंजेस मैं बता रहा हूँ, ये अभी पूरा हुआ नहीं है सफर जी। सफर जब पूरा होगा तभी समझ में आएगा कि क्या हमें मिला, क्या हमने खोया, क्या खोया, क्या पाया। सर कभी ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि आप इतनी शिद्दत से, क्योंकि मैं दोबारा रिपीटिंग माई सेल्फ, लोग सीखते हैं, लोग आपको चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, बहुत सारे रोल्स में देखना चाहते हैं, तो सर कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी और फिल्म का किरदार आपका इस फिल्म पे हावी रहा हो, या फिर एक पुरानी याद, कोई एक सीन करते हुए एक पुराना कुछ स्ट्राइक किया हो और आपने झट से उसको संभाला हो? ऐसा होता है कई बार कि कुछ कुछ आप अगर किसी जोन में थे, आप एक फिल्म कर रहे थे 2 महीने से 3 महीने से, और अचानक आप जब दूसरी फिल्म के अंदर जाते हैं तो उसके कुछ अवशेष रह जाते हैं जो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं इसके अंदर। तो आपको एज एन एक्टर, आप ट्रेंड एक्टर हो, तो आप अपने तरीके ढूंढते होगे कैसे उसको उस वो जो उसके अवशेष हैं, उसके जो रिमेन्स रह गए हैं आपके अंदर, उसको कैसे आप फिल्टर करो और इसका एक नया स्वरूप तैयार करो जो आप नया कर रहे हैं। सर प्रश्नों में प्रश्न एक और है मेरे मन में हिलोरे मार रहा है, वो ये है कि अगर आपने एक्टिंग की विधा ना सीखी होती, तो सर जैसे आप एज एन ह्यूमन जैसे नॉर्मल है वैसे आप स्क्रीन पे हैं, वो बड़ा सहज है, वो बड़ा सुंदर होता है, तो ये क्योंकि एक्टिंग आपने विद्या सीखी, आप रहे उस 3 साल उस माहौल में रहे, अगर तो आपने नहीं ली होती ट्रेनिंग, तभी आप ऐसे ही एक्टर होते या कुछ कुछ बदलता है आपके अंदर? ट्रेनिंग नहीं ली होती तो मैं ऐसा एक्टर नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं एक्टर नहीं होता। ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कुछ शेप अप किया है, ट्रेनिंग एक्टिंग ड्रामा स्कूल ट्रेनिंग ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। हो सकता है मैं फिर मेरी धारणाएँ कुछ और होती, मेरे लिए एक्टिंग कुछ और होती, मेरे लिए एक्टिंग फिर शायद सिर्फ फेम और नेम और एक्नॉलेजमेंट पाने की ही एक जरिया होती। आज मेरे लिए एक मुझे कहानी, कोई कहानी करना और फिर उसका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाना, लोगों से शेयर करना, एक शेयरिंग की भावना जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अलग होता मैं एज एन एक्टर तब। सर चलते चलते लास्ट क्वेश्चन है इसके, व्हाट मेक्स यू हैप्पी और व्हाट इरिटेट्स यू अबाउट सिनेमा, क्या आपको खुशी देता है और क्या इरिटेट करता है? आई थिंक कहानी जिसमें कि कुछ जो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए रेपिटेटिव एंटरटेनमेंट जो है, वो जिसमें कुछ अंदर दूसरी लेयर नहीं है, सिर्फ एक टाइम पास एंटरटेनमेंट है, वो भी देखा हुआ एंटरटेनमेंट जैसा रेपिटेशन जो है वो आपको भाता नहीं है। और फिल्म जो है वो जो कहानी अपना एक माहौल क्रिएट करती है और जो आपको एक नई दुनिया में ले जाती है और जो नया चीज़ कुछ एक्सप्लोर करवाती है, वो आपको अच्छा लगता है। सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से मदारी के बारे में? व्यूअर्स जो हैं बहुत समझदार लोग हैं, वो उन्होंने ट्रेलर देखा होगा, उन्होंने इंटरव्यू सुना है, उन्होंने और कुछ भी न्यूज़ पढ़ी होगी, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं उन्हें फिल्म देखना है नहीं देखना। मेरे कहने से वो लोग मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से वो फिल्म देखेंगे, वो उनको उन्होंने खुद ने डिसाइड कर लिया होगा, और मुझे खुशी होगी अगर वो देखेंगे तो।